वेलकम बैक टू गलीन एंड दिनीन्स व्लॉग। और अभी आप सोच रहे हैं कि मैं उर्दू क्यों बोल रही हूँ, तो मैं अब आपको वजह बताती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपनी उर्दू लैंग्वेज को स्पीक करने में, और ये वैसे भी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और मैंने इस पूरे वीडियो सेक्शन में मैंने पूरे जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उसमें मैंने इंग्लिश ही बोली है। उर्दू थोड़ी सी भी बोली होगी तो मुझे याद नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैंने इंग्लिश ही बोली। और फिर दूसरी बात ये है कि दनी मेरे साथ क्यों नहीं है। दनी मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग, ये सेगमेंट है वर्ड्स इन माय मेकअप बैग, तो इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोनों को। तो दनी कल बनाएगी और मैं अभी बना रही हूँ अकेला। तो होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो मेरे पास आ गया मेरा मेकअप बैग, और ये एक मेटालिक होलोग्राफिक सा है बैग। ये मेरे बाबा ने सिंटोरस से लिया है, और इसका ब्रांड लॉट लेव है। आई होप यू कुड सी इट। और ये अभी आप देख रहे हैं कि बहुत गंदा भी हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि ये हमने बहुत सालों से मेरे पास है और मेरी बहन के पास, तो गंदा तो होएगा। तो अब हम चीज़ निकालते हैं। तो पहली चीज़ है ईयरिंग्स। तो अभी आप क्योंकि देख सकते हैं मैंने गोल्ड की ईयरिंग्स पहनी हुई, और मैं अपनी ये नहीं उतारती क्योंकि जब भी मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ तो मेरे ईयर में या इन्फेक्शन हो जाती है या कुछ। लेकिन फिर भी अभी मैं इनको अपने पास ही रखती हूँ कि शायद मैं पहन लूँ इनको। ये है इनका ब्रांड कैंडी ईयरिंग है, कैंडी। और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बटरफ्लाइज हैं, स्क्वायर्स हैं। बटरफ्लाइज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्यारी भी हैं, क्यूट सी ईयरिंग आपने अपने टॉप्स में पहनी हुई हैं। और फिर ये बना हुआ है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप भी अगर लेंगे तो शायद आपको भी यही अच्छी लगे, लेकिन मुझे भी ये अच्छी लगती हैं। मैं आप इनको अंदर रख देती हूँ बैग में। तो अब नेक्स्ट मेरी चीज़ है वो है क्लेयर्स की एक ये नेकलेस। तो मेरे पास अभी मैं पूरी अपनी ज्वेलरी की सेक्शन दिखाऊंगी और फिर मैं अपना बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये देख, ये छोटे से बड़े उसमें जा रहा है, ठीक है। और मुझे मेरा सबसे प्यारा मुझे डिज़ाइन ये बीच वाला रखता है, डार्किश ग्रीन है ऊपर लीव्स। ये भी मैंने क्लियर से लिया है और बहुत प्यारा है ये। मैं अगर कोई पार्टीज़ में जाना है या बर्थडेज में तो ये मैं पहनती हूँ, मैं घर में नहीं पहनती ताकि गंदा ना हो। तो दैट इज़ दैट। फिर मेरे पास एक क्लियर्स का ब्रेसलेट है, सेम थिंग ब्रेसलेट एंड नेकलेस। तो ये क्लियर्स का है और मेरे पास एक ही है, तो क्योंकि ये देख रहे हैं कि इतना प्यारा कलर्स हैं, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं। ब्लैक के थोड़े से स्क्रिबल्स हैं और पूरा पिंक है, और ये किसी भी साइज़ के हैंड पे आ सकते हैं क्योंकि स्ट्रेचेबल है और ये टूटता नहीं है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने क्लियर से लिए। फिर ये हमने, अब हम जाते हैं अपनी इस वाले के ऊपर। चलो अब हम जाते हैं अपनी वॉचेस के ऊपर। मेरे बैग में बहुत सी चीज़ें वो हैं जो बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हुई हुई हैं और बहुत ख़राब हुई हुई हैं, पता नहीं क्यों ये हो जाता है यूँ। लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये धागे के साथ एक जड़ा हुआ, पता नहीं क्यों ये मेरी, लेकिन मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ अभी, तो ये निकल गया, ये अभी मैं फेंकूँगी। तो ये है मेरे बाबा, माई बाबा ब्रॉट दिस। ये एक लेगो की वॉच है, इसके ऊपर एक ये स्ट्रैप भी है, इसके साथ ये एक्स्ट्रा ये भी आता है ताकि अगर आपने इसको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं। ये अभी तक वॉच काम कर रही है, और या तो देख सकते हैं आप, मैं अभी इसको लगाऊंगी, लेकिन मैं क्योंकि अब ये मुझे छोटी हो गया तो मुझे अब बड़ी करनी पड़ेगी इसको, इसलिए इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये देखें, ये ऑना किया है, ये मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ लेकिन बस रख लिया अपने बैग में। फिर मेरे पास एक बेबी लिप्स है। मेरी और मेरी बहन के लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, इतने ड्राई हो जाते हैं कि कभी
कभी कभार उनके ऊपर से स्किन भी उतरने लग जाती है, तो हम लोग ये लगा देते हैं। ये मैबलिन की है, न्यूयॉर्क बेबी लिप्स कलर, छोटी सी है, आप कहीं भी रख सकते हैं अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में, ये घूमेगी नहीं अगर आप अपनी पॉकेट में, क्योंकि छोटी सी है, छोटी सी है, बहुत प्यारी है। ये देख सकते हैं, मैं भी लगा भी लेती हूँ, थोड़ा सा टेंट है अंदर। और गाइस मैं आई प्रॉमिस कि मैंने अपने हैंड्स अभी अभी धोए हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी धोया है इस वीडियो को बनाने में। तो या तो वो हमारी लिपस्टिक हो गई। फिर मेरे पास एक ये छोटा सा ब्रश है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप, मैं ये ब्रश कर सकती हूँ अपने से बाल, और बहुत प्यारा भी है। देख रहे हैं आप, ये किसको पिंक अच्छा नहीं लगता। ये मैं अपने से बाल कभी कभार ब्रश कर लेती हूँ, उसको अपनी जीन्स में भी रख सकती हूँ। तो ये पहली चीज़ हो गई। तो गाइस वो हो गया हमारा ब्रश। अब हमारे पास एक और वॉच आ गई 14th अगस्त के लिए। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तानी बटरफ्लाईज किसको अच्छी नहीं लगती। ये भी मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से ली है, लेकिन शायद मैंने ये ली तो है कहीं से, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं है। देख रहे हैं कितनी गंदी हुई है, मैंने अभी तक पहनी नहीं है। लेकिन ये देख रहे हैं आप, इधर एक बटन है, आप इसको दबाएंगे तो ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं, हर किस्म की स्लो, और फिर ये बंद हो जाती हैं। मैं ये ज़्यादा पहना नहीं है मैंने कभी, क्योंकि मुझे वॉचेस पहनना अच्छी नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, फिर निशान भी डाल देती हैं, तो फिर वो काफ़ी दर्द होता है। फिर है मेरे पास एक और लिपस्टिक, ये है मेरी आर्ट डेको लिप रिलेंस इन द नंबर 32। ये एक बहुत, मेरी मामा ने मुझे एक नेचुरल थिंट के लिए मुझे लेकर दिया, क्योंकि मैं स्कूल में जब भी जाती हूँ तो मैं ये पहन कर जाती हूँ। और आप देख रहे हैं ये ख़त्म भी हो गई है थोड़ी सी, तो ये मैं हर वक्त यूज़ करती हूँ। और ये मैंने थोड़ा पीची सा कलर है, इसके अंदर ग्लिटर है, मेरी मामा ने मुझे नेचुरल के लिए दिया, तो ये नज़र भी नहीं आता स्कूल में, और लाउड भी है। तो या कलर वाली मैं बिल्कुल भी नहीं पहन कर जाती। फिर बस मेरे पास ये एक रिवाज की लिपस्टिक है, लिप लाइनर है, ये जब भी मैं कहीं फंक्शन पे जाती हूँ तो ये मैं पहन लेती हूँ, लेकिन मैं घर में बिल्कुल भी नहीं पहनती, क्योंकि देखना किसने होता है, तो बस मैं अपनी ये या वो बेबी लिप्स पहन लेती हूँ। और ये देख रहे हैं शेड किस रहा है, अभी तक मैंने शॉप भी नहीं किया हुआ, लेकिन अभी मैं शॉप करूँगी। फिर है मेरे पास ब्लश ऑन, मैं ब्लश ऑन यूज़ कर लेती हूँ अपनी चीक्स के लिए भी और अपनी आईज़ के लिए भी। ये है डाइनो फ्लंडन ब्लश एंड ग्लो, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ख़त्म भी हो रहा है, मैं यूज़ तो करती हूँ लेकिन अब मैं यूज़ नहीं करती। मेरी मामा ने मुझे कहा कि ये आपकी चीक्स के लिए बहुत गंदा हो जाता है, फिर आपको इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये मैं बस थोड़ा सा ग्लिटरी भी है तो मैं हाइलाइटर के लिए भी कर लेती हूँ, लेकिन बहुत गंदा लगता है, तो बस मैं चीक और आई शेडो के लिए करती हूँ। फिर है मेरे पास एक ब्रश, ये ब्रश बहुत पुराना हो गया लेकिन मैं फिर भी यूज़ करती हूँ, मैं इसको हर वक्त धोती हूँ, इसको ड्राई करने के लिए रखती हूँ। ये मेरी आईज़ के लिए, मेरे आई शेडो के लिए इस्तेमाल होता है, और मुझे ब्रांड नहीं पता वरना मैं आपको बता देती, लेकिन ये है ब्रश। फिर मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाऊंगी। पहले है मेरा एक मिरर, ये खोल लेता है और ओके कर लेता है, और ये देख लो, टाटा, हेलो। मैंने अभी तक नहीं देखा क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मिरर है तो ज़रूरत नहीं कभी पड़ती। फिर है रेन फॉरेस्ट वीवी फ्लोरा का, ये ब्रांड है रेन फॉरेस्ट इसका वो नेम है, और ये ख़त्म है अंदर से, लेकिन जब भी मुझे, मैं अपने साथ ही रखती हूँ, क्योंकि जब भी कहीं गंदी स्मेल आ रही होती है या आपको घबराहट, तो मैं ये यूं करके स्मेल कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल है और ये मुझे बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल है, तो मैंने अभी तक रखा हुआ है, मैंने फेंका। ये भी मेरे बाबा मेरे लिए लेकर आए थे, मेरे और मेरी बहन के लिए छोटे छोटे लेकर आए थे, एक मैंने ख़त्म कर दिया और एक मैंने अपने पास रख लिया। फिर मेरे पास एक हैंड सोप है, एज यू नो COVID-19 एक कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो और ऑल्सो जब भी आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली गो टू द वॉशरूम एंड वॉश योर हैंड्स, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत जल्दी हो जाता है और आपने नहीं कोरोना वायरस लेना,
तो आप हैंड सॉप अपने पास रखें, ये मेरी मामा ने मुझे दिया था कि कभी कभार यूज़ पड़ जाता है, तो आप ये ले सकते हैं। फिर है मेरे पास हुदा ब्यूटी का, इसका ब्रांड है फोकस ग्लिटर नेल पॉलिश, 18 मिलीलीटर है ये, फैशन इसका नाम है इस नेल पॉलिश का, कलर 20। तो ये एक पर्पल ग्लिटरी नेल पॉलिश है, ये मैंने लगाती हूँ लेकिन अब मैंने छोड़ दी, और बहुत अच्छा शेड है मेरी स्किन के लिए, ये बहुत अच्छा, मैं कभी कहीं फंक्शंस या उस पर सेम टाइम मैं पहन लेती हूँ। फिर है मेरे पास ये एक रिंग सी, ये मैं बस वैसी पहन लेती हूँ, ये मेरी बहन ने मुझे अपने नेल सेट में से दी थी। फिर मेरे पास ये एक रिंग है जो मैंने खुद से बनाई थी, मुझे कोई अच्छी नहीं लगती, मैं उसको अभी शायद फेंक दूँ। फिर मेरे पास ये बहुत सी पिन हैं, काम आती हैं, ये ब्राउन शेड मुझे किसी ने गिफ्ट की थी लेकिन अब देखें कम हो गई हैं, और ये थर्ड सी यहाँ पिन। फिर मेरे पास ये थोड़े से, ये क्या कर रहे हैं मेरे बाद में, चलो कुछ नहीं होता, नज़र तो आए। ये एक और मेरे पास एक ये सिल्वर बॉबी पिन आ गई, ये थोड़े से बीड्स हैं इधर, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं मेरे बैग में। और फिर मेरे पास एक ये फ्लैग है, और फिर ये तो ये हैं। तो ये तो मेरे बैग में था, और आप देख सकते हैं सारा कुछ अब ख़त्म हो गया, मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया है, लेकिन अब मैं होप करती हूँ आपको इन्जॉय करें आप ये वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई वीडियो। आई होप यू गाइज इन्जॉयड एंड आई सी यू लेटर इन माई नेक्स्ट वीक्स वीडियो। बाय।